साहब, आपने भी दंदरगुआ धाम मंदिर में काफी समय दिया है, दंदरगुआ धाम के चमत्कारों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दंदरगुआ धाम मंदिर मैंने जितने मंदिर देखे उनमें सबसे चमत्कारिक मंदिर है। यहाँ हनुमान जी के यहाँ आकर के कई कैंसर के मरीज, कई अन्य तरह के मरीज बिल्कुल सही होकर जाते हैं और अपने भाव से निर्मल होकर महाराज जी का अमूल्य आशीर्वाद पाकर, महाराज जी यहीं रहते हैं और महाराज जी का अमूल्य आशीर्वाद पाकर स्वस्थ होकर जाते हैं। तो इस धाम की महिमा का वर्णन मैं अपने शब्दों में करने में समर्थ नहीं हूँ। इसकी महिमा अनंत है और हनुमान जी महाराज जी की महिमा अनंत है और हमारे महाराज जी की महिमा अनंत है। यहाँ पर कहाँ कहाँ से किन किन प्रदेशों से भक्तों का जमावड़ा प्रत्येक मंगलवार को होता है? मैं बुढ़वा मंगल पर, गुरु पूजन कार्यक्रम पर, हनुमान जयंती पर, सभी समय पर यहाँ उपस्थित रहा हूँ। मैंने देखा देश के कोने कोने से, देश के कोने कोने तक इस मंदिर की प्रतिष्ठा है, इस मंदिर का भाव है लोगों में, भक्त हैं चारों तरफ, महाराज जी के भक्त हैं, कोने कोने से भक्त आते हैं और यहाँ से स्वास्थ्य लाभ लेकर और अपनी सभी मनोकामनाओं को सिद्ध करके ही जाते हैं। बुढ़वा मंगल जैसे बड़े बड़े आयोजनों में, बड़े बड़े मेला जो दंदरगुआ धाम में लगते हैं, उन पर लगभग कितने भक्तों का जमावड़ा दंदरगुआ धाम? जो मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ, पिछले 10 साल से मैं यहाँ पर हूँ तो प्रति साल दर साल यहाँ भक्त बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले साल का मैं अनुमान लगाऊं तो लगभग 5 लाख से ऊपर भक्तों ने उस दिन दर्शन किए थे, मनोकामना सिद्ध किए। इससे स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि इस धाम की, इस स्थान की महिमा अनंत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे डॉक्टर अनिल शर्मा जी को, जिन्होंने दंदरगुआ धाम में काफ़ी समय दिया है और उनके द्वारा दंदरगुआ धाम की महिमा सुनी है। मिलते हैं फिर किसी अगले वक्त के साथ। जय श्री राम। जय।